इंदौर के नारथतोड़ा में आईटीए के द्वारा खुद की बिल्डिंग में रह रहे लोगों को निकालकर दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। नगर निगम द्वारा इस बिल्डिंग को जर्जर घोषित कर दिया गया है। हालांकि शिफ्टिंग के दौरान बिल्डिंग के लोगों ने काफी विरोध भी किया। इंदौर नगर निगम शहर के जर्जर भवनों को तोड़ने की कार्रवाई कर रहा है। इसी कड़ी में नारथतोड़ा इलाके में बनी 40 साल पुरानी इंदौर विकास प्राधिकरण की बिल्डिंग काफी कमजोर हो गई थी। निगम द्वारा चिन्हित करने के बाद इस बिल्डिंग में रह रहे परिवारों को आज खाली करवाया गया। इस दौरान अधिकारियों को काफी विरोध का सामना करना पड़ा। आईडीए ने परिवारों को यहाँ से स्कीम नंबर 134 में शिफ्ट किया। कल शाम को मैंने सबको बधाई दिया कि आप सभी लोग मकान के मालिक बन गए हो और आज गणेश जी का दिन है, पूजन पाठ करो, रिश्तेदारों को बुलवाओ और अपने घर में प्रवेश करो, ताकि अभी तक अपन लोग अवैध श्रेणी में रहने वाले कहलाते थे, अब अपने मकान मालिक के रूप में कहलवाएंगे। तो इस तरह आईडीए ने एक बड़ा स्टेप लिया, गरीब लोगों को ध्यान में रख के, गरीबों को बेघर न करते हुए इनको एक कम दामों पर जो जनेरों में हमने जो मकान बनाए थे उसके तहत हमने 134 में मकान दिए हैं, ताकि यहाँ पर जो लोग रहते हैं। ये बात सही है कि 19 परिवारों ने ही जो है पैसे जमा कराए थे, बाकी सब लोग अवैध रूप से रह रहे थे, लेकिन मानवीय आधार पर और इस बारिश को लेके प्लस पिछले 40 सालों से निवास कर रहे थे, इसको समग्र रूप से ध्यान में रख के ही निर्णय लिया सभी के कि नहीं, इनको बेघर न करते हुए इनको मकान में ही शिफ्ट किया जाए। तो इस तरह आज उस कार्रवाई का आज पूर्णता की ओर हो रही है कि जिस तरह हम लोगों ने पिछले एक माह से इनको लगातार कन्विंस कर रहे थे, एक माह से इन लोगों को ये समझाइश दे रहे थे कि हम तुमको मकान का मालिक बना रहे हैं, तो आज वो मूर्त रूप ले रहा है कि मकान का मालिक इतने परिवार को हम लोग आज बना रहे हैं। नगर निगम इस बिल्डिंग को तोड़ने वाला है। इस बिल्डिंग में 93 परिवार रह रहे थे, जिनमें से सिर्फ 19 परिवार वैध रूप से निवास कर रहे थे। उन्हें आईडीए ने दूसरी जगह पर घर आवंटित कर दिया। बाकी के परिवारों को अस्थायी रूप से शिफ्ट किया जा रहा है। सबको दिया जाए जो यहाँ पे रह रहे हैं, और उनका सर्वे हुआ, सत्यापन हुआ, तहसीलदार साहब के सत्यापन भी कराया सूची का, कलेक्टर साहब ने उसको अंतिम अनुमोदन किया सूची को, और उसके आधार पर हम देने के लिए इनको ऑफर दिया है। लेकिन 57 लोग ही अभी आए हैं 93 में से, कि हमने अभी ये जो पूरा स्कोप इनको दे दिया है कि आप पैसे जमा करो, लेकिन वो तैयार नहीं है ना इस बात के लिए, जिद्दीपन अपनाए हुए हैं, तो हम शेल्टर, अस्थायी शेल्टर में भेज रहे हैं उनको। फिर जैसी भी आगे की योजना होगी, नगर निगम या कुछ अकोमोडेट कर सकेगा तो करेगा। अधिकारियों का कहना है कि सीएम शिवराज और इंदौर कलेक्टर के निर्देश को देखते हुए बिल्डिंग में रह रहे लोगों से 5000 रुपए के टोकन पर उन्हें रहने के लिए वैकल्पिक जगह दी जा रही है। अभी जो जिन्होंने पैसा जमा किया है और ईडब्ल्यूएस के जो हाउसेस है जेन्यूआरएम के लेने के लिए जिन्होंने सहमति दी और पैसा जमा किया है, इनिशियल पेमेंट 5000 रुपए केवल, और टोटल उसकी 1.82 लाख कीमत है। तो जिन्होंने जमा किया उन्हीं को केवल शिफ्ट कर रहे हैं, और जो जमा नहीं कर रहे हैं उनको अब शिफ्टिंग यहाँ से नहीं करेंगे, है ना, उनको हम जो अस्थाई शेल्टर है वहाँ भेज देंगे। कुल मिलाकर नारथतोड़ा की बिल्डिंग को लेकर कई बार सवाल उठे, जिसके बाद अब इस बिल्डिंग को तोड़ने का रास्ता साफ हो चुका है। हालांकि इस दौरान आईडीए को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़ इंदौर।